आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, नीचे दिया गया ग्राफ ऋतु स्राव चक्र के दौरान ओवेरियन हार्मोन्स के स्तर को दर्शाता है, एक व दो क्या दर्शाते हैं? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस ग्राफ को। तो लिखते हैं, यह ग्राफ जो है आर्तव चक्र से संबंधित है। तो लिख लेते हैं आर्तव चक्र, या जिसे कहा जाता है ऋतु स्राव चक्र, या इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। आर्तव चक्र जो है यह एक मासिक चक्र होता है जिसकी समयावधि होती है लगभग 29 दिन की। तो लिख लेते हैं 29 दिन का यह मासिक चक्र होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें बताना है कि एक और दो जो है ये क्या है। यह जो ग्राफ बता रहा है यह अंडाशय के हार्मोन्स का स्तर बताता है, और अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन जो है वे हम समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो लिख लेते हैं, अंडाशय द्वारा दो हार्मोन जो है स्रावित होते हैं स्टूडेंट्स, वे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो लिख लेते हैं, एक तो है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो लिख लेते हैं यहां पर दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो हमें यह बताना है कि एक और दो जो है इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पहले और फिर दूसरे नंबर पे आएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आर्तव चक्र की अवधि दी गई है 29 दिन की, इसे भी बांटा गया है अलग अलग प्रावस्थाओं में। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 14वें-15वें दिन जो है ये यहाँ तो होता है अंडोत्सर्जन। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तो हो रहा है अंडोत्सर्जन। तो लिख लेते हैं अंडोत्सर्जन, अर्थात ग्राफीन पुटक जो है वह संफुटित हो जाता है। तो यदि इससे पहले की बात करें, अंडोत्सर्जन से पहले की, तो यहाँ पर होता है पुटकीय परिवर्तन। तो लिखते हैं यहाँ होता है पुटकीय परिवर्तन, और विकासशील पुटकों के द्वारा स्रावित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्रावन है ये कौन करती है? तो हम लिख लेते हैं विकासशील, या फिर हम कह सकते हैं परिवर्तनशील, विकासशील पुटक जो है इनकी कणिकीय कोशिकाएं जो होती हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती हैं। अब पुटकीय परिवर्तन में क्या हो रहा है? पुटकों का विकास ही हो रहा है। तो हमारा ये जो ए दिया हुआ है यहाँ पर दिख रहा है हमें, जो एक है इसका स्तर क्या है? उच्च है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पहला हार्मोन जो है ये स्रावित हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन होगा? पहला जो हार्मोन है यह होगा एस्ट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर पुटक परिवर्तन होता है और परिवर्तित हो रहे पुटकों के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तो पहला हार्मोन तो हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन। अब दूसरे हार्मोन के बारे में बात करें, प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन जो है यह स्रावित होता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण जो है यह होता है स्टूडेंट्स अंडोसर्जन के बाद। अंडोसर्जन के बाद जो क्या होता है, जो ग्राफीन पुटक का फटा हुआ भाग होता है, शेष भाग होता है, वह LH हार्मोन के प्रेरण में कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है, और यह अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है जो कि भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं अंडोत्सर्जन से पहले 14-15 दिन पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, इस अवधि से पहले तो क्या हो रहा है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण अत्यधिक कम है, हो ही नहीं रहा। और इसके बाद एकदम से क्या होता है, अंडोत्सर्जन के बाद एकदम से इसके स्रावण में वृद्धि हो जाती है। तो हमारा दूसरे नंबर का जो हार्मोन है यह है प्रोजेस्टेरोन। तो पहला तो क्या होगा, पहले एक जो है यह एस्ट्रोजन को और दो जो है प्रोजेस्टेरोन को दर्शाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें पहला बताया गया है प्रोजेस्टेरोन, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि पहला जो है ये है एस्ट्रोजन। आगे की ओर देखते हैं, ऑप्शन बी दिया गया है FSH और LH। तो अंडाशय के द्वारा FSH और LH हार्मोन जो है स्रावित नहीं होते हैं। FSH अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इनका श्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है LH और FSH, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा स्टूडेंट्स। और ऑप्शन डी दिया गया है, इसमें पहले को बताया गया है एस्ट्रोजन और दूसरे को बताया गया है प्रोजेस्टेरोन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।